तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड स्टार्ट, गुड स्टार्ट। थोड़ा सा अरे बैड लक, बैड लक। थोड़ा आराम से, आराम से। अभी सिर्फ क्वीन और कवर। अरे तो अभी फिनिश कर देता मैं। अब हुई ना बराबरी की टक्कर। टक्कर तो बराबरी की हुई पोपटला, लेकिन अभी रानी निकाल के दिखाओ। बस भिड़े तू देखते जा, इस बार तो रानी पोपटलाल की है। पोपट चातुन रानी गेली। मेरे नसीब में कैरम में भी रानी नहीं है। अब देखो मैं दिखाता हूं रानी को कैसे निकालते हैं। ये गई तुम्हारी रानी और ये रहा कवर। ये यस। नहीं वो तो ये जगह का वो मैटर है भाई, तू उधर बैठा ना इसलिए बार बार ऐसे हो रहा है। तू जगह बदल फिर देख तुम्हें कैसे खेलता हूँ। अरे गांव बदलो नसीब नहीं बदलो पोपटलाल, तुम जगह कितनी भी चेंज कर लो तुम्हारे नसीब में रानी नहीं आने वाली। हमने स्मर्फ्स 2 फिल्म के कंपटीशन का फॉर्म नेट पर भर दिया है। अरे वाह बच्चों, तुम लोग तो सुपर फास्ट हो। अरे ऐसे मामलों में टप्पू सेना को कोई रोक नहीं सकता। पोपट अंकल हम लोग आपको थैंक यू बोलने आए हैं। अरे बस बस बस, इसमें थैंक यू क्या, अगर मेरे लिए कुछ करना ही है ना तो प्रार्थना करो कि मुझे रानी मिल जाए। गेम में, गेम में। क्वीन की बात कर रहे हो ना? हाँ मतलब वो जब भी क्वीन लेने जाता है ना तो उसका ड्यू हो जाता है। बराबर। लीजिए और कढ़ी आ गई, बस डाल 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 इसमें डाल। वाह वाह दया वाह, तेरे हाथ के कटे का जवाब ही नहीं। थैंक यू। मेरी माँ हमेशा कहती है बेटा दया कढ़ी कभी हाथ से नहीं बनानी चाहिए। है? तो तूने कैसे बनाई? दिल से बनाई है। मैं हमेशा कहती है जो भी चीज बनाओ दिल से बनाओ तो उसकी बात ही कुछ और होती है। अंदर और कटी है ना, क्योंकि ये तो सारी मैं पी जाने वाला हूँ। ए भाई आज कड़ी का आखिरी दिन नहीं है जो ऐसे जा पड़ रहा है। अरे जरा शांति रख, तुझे जब भी मन हो तब बहू को बोल देना, वो कड़ी बना लेगी। हाँ हाँ, आप जब भी कहोगे ना तब कड़ी बना के दूंगी। आप कहेंगे कि रोज तो रोज बना के दूंगी। हाँ तो बना बना, रोज बना। अरे हाँ पापा, मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया। क्या बेटा? मैंने इंटरनेट पर क्विज कंपटीशन में आपका मोबाइल नंबर दे दिया है, तो उनका कोई भी मैसेज या कॉल आए तो मुझे बताना। अरे बेटा वो इंटरनेट पर मेरा मोबाइल नंबर क्यों दे दिया? अभी सबके फोन आने लगेंगे, फलाना खरीदो ने, ढिमका खरीदो ने। हाँ दिक्का, फिर तुम्हारे पापा को सब खरीदना पड़ेगा। टप्पू जेठिया सही कह रहा है, ऐसे पापा को पूछे बिना मोबाइल नंबर नहीं देना चाहिए। सॉरी दादाजी, लेकिन स्मर्फ्स 2 3D एनिमेशन फिल्म की कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मोबाइल नंबर लिखना जरूरी था। मेरे पास मोबाइल है नहीं, इससे मैंने पापा का नंबर दे दिया। तो बेटा ये स्मर्फ्स 2 लेमिनेशन मूवी है क्या?
लेमिनेशन नहीं मम्मी, एनिमेशन। स्मर्फ 2 3D मूवी है और फैमिली कॉमेडी मूवी है। 2 अगस्त को इंडिया में रिलीज होने वाली है। इस क्विज कॉम्पिटिशन के बारे में हमें पोपट अंकल ने बताया, तो पूरी टप्पू सेना ने मिलकर फॉर्म भर दिया। तो दीक्षा, ये कॉम्पिटिशन का इनाम कब खुलेगा? मम्मी 28 जुलाई के बाद कभी भी खुल सकता है। और दादाजी पता है, ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है। जीतने वाले को बम्पर सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। और टप्पू सेना ने तय किया है कि जो भी गिफ्ट मिलेगी वो आपस में बांट लेंगे। सोचिए पापा, सोचिए क्या क्या इनाम होंगे। टीवी, फ्रिज, LCD, वही होगा और क्या। अरे टप्पू के पापा, आप दुकान की चीज है क्यों सोच रहे हैं? कुछ अलग और सोचिए ना। हाँ पापा, कुछ बड़ा सोचिए ना। हाँ। अरे टप्पू, तू अभी से इस इनाम के बारे में इतना मत सोच बेटा। कभी कभी हम जो सोचते हैं वो नहीं होता तो हमारा दिल टूट जाता है। हाँ। हम हताश हो जाते हैं, इसलिए इनाम मिला तो ठीक और नहीं मिला तो भी ठीक है। बराबर, ठीक है दादाजी। चलो अभी शांति से खाना खा ले। हाँ हाँ, ला ला दे, इसी बात पे एक एक वाटी कटी। बापू जी, टप्पू को दे। हाँ ला ला बहू, एक वाटी जेठिया को भी दे। नहीं नहीं बापू जी, नहीं, मेरा हो गया बस। अबे लेने, अबे हो गया बड़ी। थैंक यू। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं दादाजी? पापा सब गिराएगा। लीजिए टप्पू के पापा। हाँ ला ला ला। अरे हुआ टप्पू के पापा? क्या हुआ? क्या अब पैर हिला रहे ना, मतलब नक्की अभी हमारे घर पे कोई मेहमान आएंगे। अरे ओ पाषाण युग की युवती, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या कुछ भी बोल रही है युवती? सच ही कह रही है, ऐसे पैर हिलाते हैं ना तो घर पे कोई मेहमान आते हैं। पूरा दिन घर में काम करके तेरा दिमाग थक गया है, जरा दिमाग को आराम दे, जा सो जा। मेहमान आने वाले है और मैं सो जाऊं? अरे बस कर भाई। बस आप कीजिए भाई है? हिम्मत है तो शर्त लगाइए। और तो शर्त हार गई तो? हार गई तो हार गई। सुहाग जब जीतता है तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। किसका सुहाग? अपना कि किसी और का कोई भी? अरे अपना ही, किसी और के सुहाग से मुझे क्या लेना देना। बात मत बदलिए। अरे भाई तुझे नहीं बदल सकता, कम से कम बात तो बदलने दे। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ। अरे मजाक छोड़िए, शर्त लगाइए। चल लगी सर। आप हार गए तो कल पूरा दिन खाना मैं बनाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं। क्यों? स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं। अगर आप शर्त हार गए तो कल पूरा दिन पूरे घर की साफ सफाई आप करेंगे। बोलिए लगी शर्त? लगी। मैं जीत गई, मैं जीत गई, जीत गई, मैं जीत गई। झाड़ू झाड़ू झाड़ू। झाड़ू। एक मिनट, एक बात बोल देता हूँ, अगर सोसाइटी का कोई मेंबर निकला तो वो मेहमान बने की ना जाएगा। कैसी बातें करते हो, सोसाइटी वाले मेहमान कैसे हो सकते हैं? वो तो हमारे घर के सदस्य ही है। तो जा दरवाजा खोल जा। आई आई। ए भगवान, ये दया जब भी अंधेरे में तीर चलाती है मुझे ही लगता है। शर्त लगा तो लिए, लेकिन कल मुझे घर की साफ सफाई ना करनी पड़े तो अच्छा है। आइए आइए आइए। पोपटलाल, जेठालाल। अरे आओ 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 पोपटलाल। चिंकच कर चिंकच कर चिंकच। पोपटलाल है सोसाइटी के मेंबर। ये क्या चल रहा है जेठालाल, अचानक मुझे देखकर इतनी खुशी क्यों? हाँ पोपटलाल, तुम्हारी वजह से मैं शर्त जीत गया। कौन सी शर्त? वो बाद में बताएंगे, ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? ए ए ए ए वो ए ओ ए ओ ये ओ तो फिट आ रही है। जल्दी चप्पल चप्पल ला, चप्पल ला, छोड़ छोड़। अरे भाई क्या करो जेठालाल। हाँ, गई गई गई, फिट गई फिट गई।
अरे देव जेठालाल क्या कर रहे हो, ये पोपटों को चप्पल से क्यों मार रहे हो, क्या किया तुमने? अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं चप्पल से मार नहीं रहा हूँ भाई, इसको अभी फिट आ रही थी तो चप्पल सुंघा रहा था ऐसे। अरे भाई कोई फिट नहीं आई है मुझे। तुमने बताया कि नहीं उनको? अरे भाई वही बता रहा था। अरे जेठालाल ये फिट नहीं है। अरे भाई मैं भी वही बोल रहा हूँ, ये फिट नहीं है, इसको बार बार फिट आ रही है। अरे भाई जेठालाल चप्पल नीचे रखो, नीचे रखो चप्पल, मुझे कोई फिट नहीं आ रही और मैं एकदम फिट हूँ। मैं ये बता रहा था इनको कि वो आयो आयो है। समझ गया। अरे इसका मतलब है कि गुड न्यूज है, सोसाइटी में मेहमान आया है और अभी तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। पापा कौन मेहमान आ रहे हैं यहाँ पे? विनय भाई, तुषार भाई, विनय भाई, आई 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 आई, अरे तुषार भाई, अरे तुषार भाई, अरे तुषार भाई, हम तो आपके फैन हैं और आपसे भी ज्यादा आपके पिताजी के फैन हैं। उनकी एक से एक क्या बढ़िया पिक्चर आती थी, सब देखते थे हम लोग, खास करके तोहफा दया याद है? तोहफा याद है? हाँ, और उस फिल्म के वक्त आपने मुझे तोहफा भी दिया था। अरे आप तो देखते थे उस जमाने में, लेकिन आज डैड आप सभी के बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े फैन हैं। अरे हाँ थैंक। अरे सॉरी सॉरी माफ करना, मैंने आपको देखा ही नहीं, मतलब वो क्या मैं तुषार भाई भी अटक गया। अरे दया पहचाना कि नहीं कौन है? आपने तो फुकरी फिल्म में काम किया है ना, मस्त अभिनय किया था। एयो ये यानी करेक्ट, यही वो विशाखा सिंह है। पुकरे में सुंदर काम करने के बाद अब ये हमारे साथ हमारी नई फिल्म में है और हमारी फिल्म का नाम है बजाते रहो। एक मिनट, अच्छा अभी मैं समझा पोपटलाल, क्या तुषार भाई इधर आए इसलिए तुम उनके आने से पहले आए हो कर रहे थे? अरे लेकिन हम लोग खड़े क्यों हैं? भाभी जी आप भी बैठिए ना। हम रोज बैठते हैं विनय भाई, बैठो ना भाई आराम से। अरे भिड़े खड़ा क्या फुलदस्ता दे? नहीं ये तो हमारा है। अरे बच्चे जैसा क्या कर रहे, इज्जत का भाजीपाला कर रहे दे? नहीं जेठालाल हमारा मतलब इन लोगों ने पूरी सोसाइटी को दिया है गुलदस्ता। ये लेकर क्यों? हाँ जेठा भाई, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि आप लोग अन्याय के खिलाफ लड़ते हो। अभी हाल ही में बच्चों के एजुकेशन के साथ खिलवाड़ करने वाले प्रोफेसर खोटे को कितना अच्छा सबक सिखाया था। और फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पर होने वाली चीटिंग को आपने एक्सपोज किया था। हमारी फिल्म की भी ऐसी ही कहानी है, हम सब मिलकर एक चिट फंड चलाने वाले को सबक सिखाते हैं और उसका बैंड बजाते हैं, इसीलिए फिल्म का नाम बजाते रहो है। जी। आप लोग इस फिल्म में हैं तो बजाते रहो फिल्म बढ़िया ही होगी। तो क्या है ना भाभी जी कि हमारी फिल्म एक आम आदमी की कहानी है, इसीलिए हम आप सबकी शुभकामना लेने हैं। अरे विनय भाई आप तो जानते ही हैं हमारी शुभकामना हमेशा आपके साथ ही है। लाइए इसी बात पे मैं भी थोड़ा भोपू बजा लूं। अरे जरूर। बापू जी इतनी रात को भोपू क्यों बजा रहे? बापू जी मेहमान आए। अरे आप लोग यहाँ कैसे? अभी तो मैंने आपको टीवी में देखा, इतनी जल्दी टीवी में से बाहर आ गए। आप लोगों की एक फिल्म आ रही है ना बजाते रहो, मैंने अभी देखा, प्रोमो देखा उसका। हाँ जी चाचा जी, हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठो 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 बैठो। बाबू जी टीवी बहुत देखते हैं। नहीं बहुत नहीं देखते, कभी कभार देख लेते हैं, उसमें आप लोगों का नंबर लग गया।
भगवान करे आप लोगों की फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए, मैं आप लोगों की फिल्म जरूर देखूंगा। हाँ हाँ देखनी ही है, और इसीलिए हम पूरी सोसाइटी के लिए टिकट्स लाए हैं। दया बहन इसकी क्या जरूरत थी, मैं अरेंज कर देता। अच्छा तो दीदी है पैसा कभी, थैंक यू। और जेठा भाई ये आपके लिए। हाँ दीजिए दीजिए विनय भाई। हाँ बोमो, वैसे भी मेरी जिंदगी में इतनी तप लेके आती है कि मेरे तो बैंड बजती रहती है, तभी मैं ये भोपू बजाता रहूंगा। अब हम लोगों को इजाजत दीजिए, हम लोगों को और भी कई जगह जाना। आपको खाना खाकर ही जाना पड़ेगा, मैं फटाफट 5 मिनट में खाना बना दूंगी। बोलिए क्या खाएंगे आप? नहीं नहीं हम तो खा के आए हैं। तो खाना खाने के बाद क्या कुछ खा के चाहिए? कुछ कॉफी, कुछ आइसक्रीम, चॉकलेट, ऐसा कुछ? फिलहाल इस बार तो हम जल्दी में हैं, लेकिन अगली बार हम पूरे परिवार के साथ आएंगे और बहुत खाना खाएंगे। पूरे परिवार के साथ? यानी जितेंद्र साहब, शोभा मासी, एकता कपूर सबको लेके आएंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ मैं ही नहीं ये भी अपना परिवार लाएंगे ये। हाँ, दोनों। मैं भी अपना परिवार लाऊंगी। मम्मी पापा को लेके आना, अब सब आना परिवार के साथ, आना मजा आ जाएगा। अच्छा चलते। नहीं आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। अरे भाई कम से कम मुखवास तो खा के ही जाना पड़ेगा। अरे कमाल ये लोग अचानक आ गए एकदम। चल जीटिया मैं सोने जा रहा हूँ। ओके बापूजी। चाचा जी गुड नाइट। एक तकिया और एक चद्दर लेके आना, पोपटलाल इधर सोफे पे सो जाएगा। तुम यहाँ रुकने वाले हो? अरे नहीं भाई नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। जेठालाल मेरा अपना घर है तो मैं यहाँ क्यों रुकूंगा? नहीं जिस तरह से तुमने बापूजी का गुड नाइट चाचा जी बोला, मुझे लगा शायद क्या पता। नहीं नहीं वो क्या है ना, वो आप लोगों को गुड नाइट बोलने के लिए रुके थे, बस हम जा ही रहे। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। चलो गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। चल चल दे अभी हम भी सो जाते हैं। चल ओ सो जाते हैं। कहाँ जाते हैं? रुकिए रुकिए रुकिए। क्या हुआ? ये रुकिए। ये लीजिए। ये क्या? भूल गए क्या? हमने शर्त लगाई थी ना, आप पैर हिला रहे थे तो मैंने कहा कि आज जरूर कोई मेहमान आएंगे और आप मना कर रहे थे। अब देखो मेहमान आ गए और आप शर्त हार गए ना। चलिए चलिए साफ सफाई शुरू कर दीजिए। ओ पाषाण युग की भुलक्कड़ युवती, तू भूल रही है क्या शर्त लगी थी? कल कल घर की साफ सफाई करूंगा, आज नहीं, समझी? हाँ वैसे भी मैं तो मजाक कर रही थी। मेरे होते हुए आप थोड़ी ना घर की साफ सफाई करेंगे। थैंक यू। और वैसे भी घर की साफ सफाई में कोई खिलवाड़ नहीं। क्या? रुक। दोस्तों जिस तरह से आप हमें प्यार करते हैं ठीक उसी तरह बड़े बड़े फिल्म कलाकार और स्टार्स गोकुल धाम निवासियों से प्यार करते हैं, तभी तो यहाँ पे मिलने के लिए चले आते हैं। भाई ये हमारी प्रसिद्धि का भोपू है, अभी कलाकार आए और उन्होंने कहा कि बजाते रहो, और आप जानते हैं गोकुल धाम निवासियों का बैंड हमेशा बजता ही रहता है। ट्रेन में जिस तरह से एक के बाद एक स्टेशन आते रहते हैं ठीक उसी तरह गोकुल धाम निवासियों के लिए भी एक के बाद एक मुसीबतें आती रहती, लेकिन जीवन की ट्रेन भी अलग अलग स्टेशनों पर अलग अलग पड़ाव पर रुकती है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें जिस व्यक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो होता है गुरु। मित्रों आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु के लिए तभी तो ठीक कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दो मिलाए। भारत की संस्कृति में गुरु की महिमा ईश्वर से अधिक मानी गई है। आप सभी को और आप सभी के गुरुओं को बेहद बेहद शुभकामनाएं। लेकिन जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि छोटे छोटे स्टेशन मुसीबतों के गोकुल धाम निवासियों के लिए आते रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टेशनों के बाद एक बड़ा जंक्शन आता है, एक बड़ी मुसीबत हमारे इंतजार में है। अब वो मुसीबत इस तरह की है कि पांवों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए हंसी और ठहाके बरकरार रहेंगे। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए बड़ी मुसीबत क्या होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.